रिपोर्टरम रिपोर्ट एक्सक्लूसिव। सोशल साइट्स को बदनाम करने वाली फोकटे फॉरवर्डियों की शर्मनाक हरकत। इटली से गुजराती के वीडियो का सच। सोशल नेटवर्किंग साइट्स फेसबुक व्हाट्सएप पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और इसमें जो शख्स दिखाई दे रहा है वो कुछ ऐसे कह रहा है कि मैं इटली से एक हिंदुस्तानी बोल रहा हूँ, यह राहुल गांधी की बिल्डिंग है जो करोड़ों की नहीं बल्कि अरबों रुपये की है। भारत से लूट करके इटली में इतनी संपत्ति बना रखी है पप्पू गांधी ने और माँ सोनिया गांधी ने। मित्रों, आप इस बिल्डिंग को देखेंगे तो आपकी आंखें चक्कर खा जाएगी। ये वीडियो आपने भी देखा होगा। जो शख्स इसमें इटली से बोलने का दावा कर रहा है वह हिंदुस्तान के गुजराती भाषियों जैसी हिंदी बोल रहा है। वीडियो को सुना और देखा होगा आपने भी और इसकी हकीकत जानने का ख्याल भी मन में आया होगा, लेकिन कई लोगों ने तो इसकी हकीकत जाने बगैर फटाफट फॉरवर्ड करना भी शुरू कर दिया। जी हाँ, कई लोगों से मेरा तात्पर्य यही है कि जो सिर्फ फॉरवर्ड करने के लिए ही रिचार्ज करवा ऑनलाइन आते हैं, जिन्हें मैं जियो की डिजिटल संतान है फोकटे फॉरवर्ड ये कहता हूँ, उनका काम बस यही है कि हर एक पोस्ट को फॉरवर्ड करना बगैर देखे जाने समझे। अब इसी वीडियो को ले लीजिए। विगत 2-3 दिनों से यह धड़ाधड़ शेयर फॉरवर्ड किया जा रहा है बगैर हकीकत जाने, जबकि इस वीडियो की जो सच्चाई है वो जानकर आपको हंसी आए या ना आए शर्म जरूर आएगी उन फोकटे फॉरवर्डियों जियो की डिजिटल संतानों पर और अपने आप पर भी शायद, कि सोशल साइट्स कुछ ऐसे लोगों के कारण किस तरह अपनी विश्वसनीयता खो रही है और हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो इस वीडियो की हकीकत जानने से पूर्व इसे बनाने वालों को थोड़ा सुन भी लीजिए पहले। राजीव गांधी અને તેનો છોકરો જે છે પપ્પુ, આ પપ્પુ ની બિલ્ડિંગ છે, આ જે છે બિલ્ડિંગ છે આખા ભારત ને લૂંટી અને આવડી મોટી બિલ્ડિંગ ને પરચેસ કરી છે। હું ઇટલી માં છું, આ રાજીવ ગાંધી ની બિલ્ડિંગ છે, સોનિયા ગાંધી ની બિલ્ડિંગ છે, તમે જોઈ રહ્યા છો। અને પપ્પુ ઇન્ડિયા ને લૂંટી ને પૈસા બનાવવા માં બેઠો છે। सुना आपने। अब इसकी शर्मसार करने वाली बात यह है कि इसमें जो कुछ भी वो शख्स कह रहा है वो सब झूठ है और इसका खुलासा इंटरनेट पर इस तरह की फेक और झूठी पोस्टों को चेक करने वाली कई वेबसाइट्स ने आज से तकरीबन 2 साल पहले ही कर दिया था। जी हाँ, सही सुना आपने, आज से तकरीबन 2 साल पहले ही इस वीडियो को फैक्ट चेक करने वाली कई वेबसाइटों ने फेक, फॉल्स एवं झूठा करार दे दिया था। कहने का मतलब यह है कि यह झूठा वीडियो 2 साल पुराना है जिसे फिर से वायरल किया जा रहा है सच बताते हुए ऐसे एडिंग ऑप्शन के साथ इन फोकटे फॉरवर्डियों द्वारा। जबकि हकीकत यह है कि वीडियो में दिखाई गई ये इमारतें इटली के ट्यूरिन के सिटी स्क्वायर पियाजा कैस्टेलो का एक हिस्सा है। 16वीं शताब्दी में निर्मित रॉयल पैलेस ऑफ ट्यूरिन सहित चौकोर आकार की इन ऐतिहासिक इमारतों में संग्रहालय, थिएटर और महल है। ये सभी इमारतें इटली के सेवाई राजवंश की संपत्ति थी। मौजूदा समय में ये सब इटली की सीनेट के तहत आती है और इनमें से कई तो यूनेस्को द्वारा संरक्षित विरासत है। तो है ना ये सोशल साइट्स की विश्वसनीयता को बदनाम करने की सबसे शर्मनाक हरकत। इन फोकटे फॉरवर्डियों जियो की डिजिटल संतानों की, वे यूनेस्को द्वारा संरक्षित सरकारी इमारतों को राहुल गांधी की संपत्ति बता रहे हैं, वो भी जय श्री कृष्ण बोलते हुए। ऐसे ही लोगों के कारण सोशल नेटवर्क बदनाम हुआ है। आज इन सोशल साइट्स की सोशल मीडिया के नाम से अनूठी विश्वसनीय पहचान बन चुकी है और यूजर परंपरागत मीडिया से ज्यादा भरोसा सोशल मीडिया पर करने लगे हैं। लेकिन ऐसे फोकटे फॉरवर्डियों की ऐसी शर्मनाक हरकत के कारण सोशल मीडिया अपनी विश्वसनीयता खोते हुए संदेह के कटघरे में खड़ा हो रहा है। क्या कहते हैं आप, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। सोशल डिस्टेंसिंग पालन के साथ पहनना है मास्क। स्पेशल रिपोर्ट एवं यूनिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।